Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. I hope you are also fine. I am Nigar Fatma from New Idol Academy. आज हम क्लास सिक्स के इस्लामिक पढ़ेंगे. चैप्टर नेम है जी हज और उसकी अहमियत. और सवाल नंबर एक है जी हज का मफहूम और उसकी फर्जियत बयान करें. जवाब का सफ़ा नंबर है 24. हज इस्लाम के पांच अरकान में हज पांचवा रुकन है. हज अरबी जबान का लफ्ज है जिसके मायने इरादा के हैं. इरादा से मुराद सफ़र करने का इरादा है जो हज करने की गर्ज से दुनिया भर के मुसलमान इख्तियार करते हैं. मुसलमान आज़मीन हज कहलाते हैं. यह सऊदी अरब के शहर मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचकर अल्लाह ताला के घर बैतुल्ला शरीफ में और दूसरे मुकद्दस मकामात पर हाजिरी देते हैं और फरीज़े हज अदा करते हैं. हज इस्लामी साल के आखिरी महीना ज़ुलहज में अदा किया जाता है. ये ऐसी जामे इबादत है जो कई इबादतों का मजमुआ है. ये इबादत मनासिक हज कहलाती हैं. ये 8 ज़ुलहज की सुबह से शुरू होती हैं और मुसलसल 5 दिन तक जारी रहती हैं और 12 ज़ुलहज की शाम को मुकम्मल हो जाती हैं. इस तरह हज का मुबारक फरीजा अदा होता है. ये सवाल आपने याद करना है.